शियो, मैं आ गई। I'm sorry, मैं कॉल नहीं कर पाई। शियो, ठीक हो ना? नजदीक मत आना, वहीं रुको। शियो, मुझे एंटीडोट का सैंपल लेने भेजा है। नहीं दूंगा। क्या कहा? उन्हें जाकर बोल दे इस ड्रग का एंटीडोट मैंने अकेले बनाया है, इस बिजनेस पर मेरा हक है, पावेल दखल ना दे तो ही अच्छा है। क्या कहा? एंटीडोट सिर्फ मेरा है, ये मैं कभी किसी को नहीं दूंगा, ना तुझे ना ही पावेल को। वो नोश दिखने में कैसा है ये पता चला? अभी नहीं। तो फिर कैसे पता चला कि वो कोरिया में आया है? लंबे समय से पावेल पर हमारी नजर थी, उन्हें धोखा देने वालों को वो तुरंत मार देते हैं, वो अपनी छोटी से छोटी जानकारी भी बाहर नहीं आने देते, लेकिन दूसरे देशों में अपने लोगों से बात करने के लिए वो एनिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। उनके कोड लैंग्वेज को डिकोड करके हमने ये पता लगाया कि उनका बॉस नोश कोरिया में है, और ये भी कि उन लोगों की नजर आपके हर कदम पर है। तो उन्हें अपना हर पैंतरा आजमाने दो। देखिए, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, गन की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सर, शिंगांगसू की मौत हो गई। ये सब कैसे हुआ? एक गवाह के मुताबिक उसने उस बोतल में से कुछ पिया, उसके बाद उसे दौरा पड़ने लगा। शायद वकील के साथ बात करने के बाद उसने खुदकुशी करने का डिसीजन लिया। इससे मिलने वकील आया था? जी। जल्दी उसका पोस्टमार्टम कराओ और उस वकील के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए। शिनगांगसू सुसाइड से नहीं मरा है। ये वही एंटीडोट है जो हमने नामिन के लिए खरीदा था। खलजी की मौत हो चुकी है, अब हमारे पास कोई गवाह नहीं है। क्या?
मेरी स्मार्ट वॉच में सबूत है, इसमें जैकेट चुराने का वीडियो भी है। मैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तुम खतरे में आ जाओगे। हाँ बोलो। खलची को ठिकाने लगा दिया। आज मैं तुम्हें लंच पर ले जा रहा हूँ, एक बढ़िया रेस्टोरेंट बुक किया है। आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, आज एक अधूरा काम पूरा हुआ है, अब बस हंगम चुके मरने का इंतजार है, फिर सब ठीक हो जाएगा। जैसा हमने सोचा था वो यहां आ गई है। क्या आपकी एजेंट सब संभाल लेगी? एजेंट नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में थी, ताइक्वांडो, हापकिडो, केंडो, ये तीनों में माहिर है। जाकर उसे बता दिए हंगुमचू अभी जिंदा है। मुझसे दोस्ती करोगी? ये तो फिर से शुरू हो गया। दोस्ती क्यों नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे हिसाब से दोस्त कैसा होना चाहिए? मेरे लिए दोस्त वो है जो मेरे राज को राज रखे और हर हाल में मेरा ही साथ दे। मेरा भी ऐसा एक दोस्त था, पर जब मैं 10 साल का था वो बिछड़ गया। रशियन था वो? नहीं, वो रशियन नहीं था, पर हमारी दोस्ती रशिया में हुई थी। हम दोनों के हालात एक जैसे ही थे, पर उसकी किस्मत उसे कहीं और ले गई और वो कहां गया मुझे आज तक नहीं पता चला। दोस्ती और प्यार के मामले में मैं बदकिस्मत ही रहा हूं। बचपन से लगता था मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं, लेकिन जब तुमसे मिला तो दोस्ती और प्यार दोनों नसीब हो गए। तुम्हारा फोन बज रहा है। बोलो। हंगुमचू, बड़ी चालाक लोमड़ी निकली। यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी हुई ये पेशेंट उसकी डुप्लीकेट थी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि तुम नाकाम हो गई। क्या हुआ? उस हंगमचू को पहले ही कुचल देना चाहिए था, उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर आराम कर लो। अंदर आ। सुनबे से कहो सबको इकट्ठा कर ले, और मिस्टर यून से इंफॉर्मेशन मिलते ही तुम सब हंगुमचू से जुड़े हर शख्स पर नजर रखोगे। हॉस्पिटल, टीवी चैनल, पॉन शॉप और उसकी पूरी फैमिली को ट्रैक करो। समझ गया। हंगुमचू, मुझे उसकी बेटी का पता लगाना है। लेकिन तुम उसे कैसे ढूंढोगे? लगा था माँ को देखने हॉस्पिटल जाएगी, पूरी दुनिया वहां आकर चली गई, लेकिन उसकी बेटी नहीं आई। यानी उसकी बेटी ये बात अच्छे से जानती थी कि हॉस्पिटल में हंगुमचू की जगह कोई और है। ये भी हो सकता है कि हंगुमचू अपनी बेटी के साथ मिलकर ये सब कर रही है। ऐसा है तो उसे ढूंढने के बाद तुम दोनों को मार डालोगे? तुमने भेड़ का गोश्त तो खाया ही होगा ना, तो यूं समझ लो कि हंगुमचू और उसका पूरा परिवार मेरे लिए भेड़ बकरी से कम नहीं। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, हलाल कर दूंगा। इस वकील के सारे लाइसेंसेस फर्जी निकले और इसने कोरियन बार एसोसिएशन में किसी और नाम से रजिस्टर किया था। जी बोलिए। मैडम के माज हॉस्पिटल आई थी, वो मुझे मारने आई थी, तभी उसे पता चला कि मेरी जगह डुप्लीकेट है। मैंने जिससे एंटीडोट खरीदा उसकी लोकेशन भेज रही हूँ, मगर हम जल्दबाजी करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। वैसे भी गिरफ्तार करके फायदा नहीं होगा, उसे भी वो लोग गांगसू की तरह मरवा देंगे। हमें किसी ऐसे को अपने शिकंजे में कसना पड़ेगा जिस पर फिलहाल उनका ध्यान ना हो। हाँ। लोकेशन ट्रैक हो गई। सुनो, खलची को मिलने वाला असली वकील नहीं था। क्या? तो कौन था? वो सिर्फ उसे मारने के लिए आया था। सनमिन जोंग, इलीगल ड्रग्स के कारोबार के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? पुलिस वाले हो? तुम्हें क्या लगा? हेरिटेज क्लब वाले तुम्हारी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं क्योंकि तुम पैसे लेकर भाग रही हो? खलची को पोस्टमार्टम के लिए ले गए, वहीं मिलता। क्या खलची मर गया है? हाँ।
लेकिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कैसे मर गया? उनसे बगावत करने की कोशिश करोगी तो तुम भी मारी जाओगी, तो सोच लो, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमारा साथ देने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और हाँ, तुम भी कोई वकील बुलाने के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि खलजी को उसके वकील ने ही मारा है। इंस्पेक्टर कांगेशिक बोल रहा हूँ, एक सस्पेक्ट की गाड़ी लेने किसी को भेज दीजिए। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, सिर्फ मैडम किम के ऑर्डर फॉलो करती थी। वो क्या क्या ऑर्डर देती थी यही तो जानना है मुझे। खालची को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया, जैसे सुचैन को किया गया था। मुझे लगता नहीं कि तुम भी वैसे ही मरना चाहोगी। देखिए, इंडियन ऑयल के ओवरडोज से इसकी अंतड़ियां फट गई और हार्ट अटैक आ गया। इंडियन ऑयल से? स्टेज डेयरिंग के लिए कई लोग इसकी एकाध गोली लेते हैं, लेकिन इंजेक्ट करने वाला लिक्विड पीना सुसाइड ही है। मतलब उसे रियुशियो ने भेजा था। वकील से बातचीत करने वाले रूम में सीसीटीवी कैमरा या माइक नहीं लगाते, इसलिए उसे बहाने से वहां ले गए और ये पीने पर मजबूर किया। लेकिन वो सुसाइड कर ले, ऐसा उससे क्या कहा होगा? पावेल बाकी माफियाओं से बहुत अलग है, उनके पास शातिर लोग हैं। इस ड्रग को रोकने के लिए रियुशियो को पकड़ना जरूरी है। मिस्टर रियो एक माफिया गैंग का मेंबर है। लानत है इस पर। प्रोसिक्यूटर मून, मैं पुलिस कमिश्नर ब्योंग हो बोल रहा हूं। थके हुए थे इसलिए मैंने उठाया नहीं। अब तुम घर जा सकती हो। फोन बज रहा है। क्या हुआ, जैकेट मिला कि नहीं? अभी तक नहीं। तो तुम कर क्या रहे हो? पुलिस को हम पर शक हो गया है। तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसे हो गया? अगर कोई गड़बड़ हो गई तो क्या मार डालोगी? एंटोन। अब मैं एंटोन नहीं, रियुशियो हूं। आज के बाद मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना। तुम ठीक हो ना? कौन था फोन पर? अभी अभी गुस्से में थे, एक पल में हंसने भी लगे। तेत्सेक, कभी माँ बाप के खिलाफ आवाज उठाई है? मतलब फोन तुम्हारे पेरेंट्स का था क्या? पर तुम तो अनाथ थे ना? हाँ, ये सच, अनाथ ही हूँ। फिर किस पर गुस्सा हुए? और एंटोन कौन है? रशिया में मेरा नाम एंटोन था। जैसे चाहे जो हो जाए, तुम मेरा साथ निभाओगी। उसकी गैस्ट्रोस्कोपी करवाई, रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने कहा कि यह तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है।
दूध पीते बच्चों का पेट इतना अच्छा होता है, मेरा बेटा भी ऐसा ही है। उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स छोटे बच्चे जैसे साफ और हेल्दी हैं। किडनीज और गॉल ब्लैडर तो एकदम नए हैं। ओह, किस्मत वाले हैं वो जो इस उम्र में इतने हेल्दी हैं। तो वही दवाइयाँ फिर से लिख कर दूं? हाँ हाँ, उसे बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन इस बार थोड़ी सी और जड़ी बूटियाँ डाल देना। जानती हो, उसकी बहन के पास दुनिया भर का पैसा पड़ा हुआ है। उसने सोचो दंग में एक 8 मंजिला बिल्डिंग अपने भाई के नाम पर कर रेंट पर दी हुई है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर का कैफे बंद करवा दूंगी, वहाँ तुम जैसे डॉक्टर का क्लिनिक होना चाहिए। इस तरह किसी किराएदार को अचानक निकालना सही नहीं है। ये तो मेरी बात समझ ही नहीं पा रही है। मैं ये कह रही थी कि ये डॉक्टर और मरीज का नाता अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो अच्छा रहेगा ना। आप अचानक ऐसा क्या सोच रही हैं? क्योंकि तुम परफेक्ट हो और तुम्हारे लिए बना हुआ एक परफेक्ट दूल्हा भी तैयार है। क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले से ही एंगेज हो? बिल्कुल नहीं। बढ़िया। क्या बात है, कितनी परफेक्ट स्माइल है तुम्हारी। रियोशियो, आप मेरी पूरी फैमिली को मारना चाहता है। अब तुम अपने घर नहीं जाओगी, मेरे साथ ही रहोगी। क्यों? मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। मेरी बात को समझो ना नामसून, अगर शियो को पता चला कि वो तुम्हारी फैमिली है तो तुम्हें खतरा हो सकता है, और ऊपर से वो रिशो तुम पर, उस इडियट को ये लगता है कि तुम किसी फ्रेंड के घर पर रहती हो। आश, मैं तो तुम्हें बचाने के लिए वहां रह रही थी। क्या? वैसे शियो अब काफी बातें करने लगा है मुझसे। और तुम्हें ये पसंद आया? पसंद आया मतलब, भूलो मत, ये मिशन के लिए है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी बाहों में गिर जाओ। जी जी, तुम कुछ भी, इतनी ताकतवर हो तुम, उसे दूर धकेलना चाहिए था ना। तुम जल रहे हो ना? नहीं, मैं जल नहीं रहा हूँ, तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ। स्पाई होने के बावजूद हमारी कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है? हाँ, पहली रात मैं उसी के साथ गुजारूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। पहली रात मतलब? हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, अगर स्ट्रॉन्ग बेटी चाहिए तो पहली रात अपने प्यार के साथ ही बितानी होगी। यार, ये तुम कुछ ज्यादा ही आगे का नहीं सोच रही हो? उसमें क्या है, तुम्हें शक हो रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। डर गए ना? मैं क्यों डरने लगा? बोलो ना, डर गए? दूर रहो। सीट बेल्ट लगा रही हूँ, लो। चलो चिक चिक के घर, लेट्स गो। मिस थोंग, कुछ दिन गुमजू होटल में ही रुक जाओ, यहाँ रहने में खतरा है। ठीक है। तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे माफ करना। एक बॉडीगार्ड रख लो। उसकी जरूरत नहीं, मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए कई साल ट्रेनिंग की है। सुनकर अच्छा लगा। एंकरिंग करते वक्त मैं बहुत खुश थी, मेरा सपना था कि मैं न्यूज एंकर बनूं। मैं भी हैरान थी, तुमने अच्छा किया। थैंक यू। हमें यहाँ हांग गुमजू मैडम ने भेजा है। हांग गुमजू मैम ने ये ऑर्डर किया है। हाँ गुमजू। इस वक्त कहाँ हो तुम? और कहाँ, स्टूडियो में हूँ। अंदर हो या बाहर? बाहर हूँ।
बाहर क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि तुमने उन्हें यहाँ। पर इतनी रात को स्टूडियो के बाहर झाड़ू क्यों मार रहे हो? अब जल्दी से स्टूडियो बंद कर दो, नाम इनको फोन दो। हेलो मम्मा। मैंने जो भेजा है सब आराम से खाना। तुम ऐसे ही क्यूट लगते हो मेरे कोलू। लेकिन किसी अनजान के हाथ से अब कुछ भी नहीं लेना। जानते हो ना स्नो वाइट की मौत इसी वजह से हुई थी। लेकिन डिलीवरी वाले भी तो अनजान ही होते हैं ना। इतनी रात को स्टूडियो के बाहर झाड़ू मत मारो। ये औरत मुझे ऑर्डर देना कब बंद करेगी? मेरा स्टूडियो, मेरी झाड़ू, जो चाहे करूं। पापा चलो अंदर जाके चिकन खाते हैं। सही कहा बेटा। चिकन। तुम्हें पासवर्ड तो याद है ना? याद है ना, 121208। तो फिर जाओ जाकर आराम करो। क्यों तुम वापस पुलिस स्टेशन जा रहे हो एंटीडोट बेचने वाले की पूछताछ करने? अरे वाह, तुम तो पूरी ड्रग डिटेक्टिव बन गई हो। सारा प्रोसीजर पता चल गया है तुम्हें? हाँ। पता है अगले ट्यूसडे मुझे ड्राइविंग का टेस्ट देने के लिए जाना है। क्या बात है, मतलब रिटन टेस्ट पास कर लिया? कर लिया। ओ मेरी होशियार डिटेक्टिव हिलरी खान। खैर जल्दी आ जाना, मैं जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। Love, love, love. Love day. सिर्फ मेरे सर को छुआ लेकिन हर जगह गुदगुदी हुई। दिमाग तो ठीक है, पावेल की इजाजत के बिना थुगो के रिसर्च लैब में एंटीडोट का बिजनेस कर रहे हो और तुम्हारी ये मजाल कि पावेल की इजाजत के बिना उसे खुद के नाम पर कर लिया। पावेल की इजाजत मैं क्यों लूंगा जब पावेल ने इसके लिए कुछ किया ही नहीं। ये मेरे अकेले की मेहनत है। जल्दी संभल जाओ वरना सार पुंबा का हुक्म आने में देर नहीं लगेगी। अगर मुझे कुछ हुआ तो पावेल को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पावेल मुझे कभी नहीं मार सकता। वो रईस लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि वही लोग एंटीडोट खरीद सकते हैं। एंटीडोट तुम लोग लाते कहां से हो? वो मैं नहीं जानती, मैं सच कह रही हूँ। वो किम मैडम मुझे जो ऑर्डर्स देती है मैं उसे ही फॉलो करती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि इस एंटीडोट का बिजनेस पूरी तरह से थुगो से कंट्रोल होता है। तुमने जिन जिन को ड्रग्स बेचा है उनकी लिस्ट इस फोन में है ना? हाँ। और इस लिस्ट में कितने लोग होंगे? मेरी लिस्ट में 100 लोग ही हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो ये ड्रग्स लेते होंगे। पर उसके लिए आपको उन लोगों को ढूंढना होगा जो पूरे कोरिया में किम मैडम के लिए काम करते हैं। मतलब तुम्हारी ये गोली कोरिया के हर कोने में पहुंच गई है? हाँ। अच्छा कुछ ही दिनों पहले पता चला है कि ये एंटीडोट 30 लाख से बनाते हैं। 30 लाख से? हाँ 30 लाख के खून से। कुरियर है। एजेंट कांग हाय। हिशिक ने आपके लिए कुछ कपड़े भेजे हैं। कपड़े? बाय। तुम क्यूट हो जिगजे। ड्रग इन्वेस्टिगेशन टीम ने किसी एक ड्रग डीलर को पकड़ा है। उनके वारंट की फाइल आपके पास पहुंचेगी। रियोशियो असल में रशियन माफिया से जुड़ा है। साला कमीना। हाँ बोलिए मुंसा। ठीक है हम मिलकर बात करते हैं। जो काम बोला था वो हुआ?
उसका एक्स हस्बैंड, उसका बेटा, भाई, उसकी माँ, सबको मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसकी बेटी का इसका कोई पता नहीं चला। आज तुम पूरा दिन मेरे साथ ही रहोगे। हम कहाँ जा रहे हैं? प्रोसिक्यूटर ऑफिस। टेटसेक, आज मैं लेट हो जाऊंगा, शाम को मिलते हैं। अगर शिओ लेट आने वाला है तो मैं वहां जाकर क्या करूंगी? इसका मतलब है कि मैं भी लेट जा सकती हूँ। मैं लेट जाऊंगी, यही करूंगी। हाँ। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी तो यहीं खड़े खड़े करनी है या मैं बैठ सकता हूं? तो तुम ड्रग्स बेचते हो? हाँ। बड़े बेशर्म आदमी हो, और किसी माफिया से भी ताल्लुक है? हाँ। किसी रईस की औलाद समझकर तुम्हारे साथ पोकर खेलता था, पर तुम तो क्रिमिनल निकले। क्या समझा है मुझे? प्रोसिक्यूटर हूं, तेरा दो कौड़ी का दोस्त नहीं, और प्रोसिक्यूटर भी नारकोटिक्स का हूं। रुक, तेरी अकड़ निकालता हूं। तेरा खेल अब खत्म हो गया है, पंडित है। नाम मुनसंगू। 2003 में सोल ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस में करियर शुरू किया। 2007 में चुनचान के कांगलुंग ब्रांच में प्रोसिक्यूटर बने। 2009 में सुवान डिस्ट्रिक्ट आए। फिर 2013 में आप सीनियर रिसर्चर बने। फिर 2015 में सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के प्रोसिक्यूटर बने, और आखिर में डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल बने। आपकी बेटी अमेरिका में पढ़ती है और आप बीवी के साथ सोरे विलेज में रहते हैं। आपका डॉग का नाम शायद टोरी है। साबित क्या करना चाहते हो? आप जानते थे मैं ड्रग्स लेता हूं, क्योंकि हमने साथ में लिए थे। कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बोल, मैंने तेरे साथ ड्रग्स लिए? देश के प्रोसिक्यूटर होने के नाते गुस्से पर काबू रखना चाहिए। और एक बेचारे मरे हुए पुलिस ऑफिसर की मेहनत को ऐसे फेंकना अच्छी बात नहीं है। अगर तूने मेरी फैमिली को छूने की कोशिश की तो देख लेना, तेरे टुकड़े टुकड़े करके मेरे कुर्ते का। यार मुनसंगू, तुझे बेटी की फीस भरने में मुश्किल हो रही थी तो मैंने ही तेरी मदद की थी, भूल गया क्या? तू पागल हो गया है? अगर मैं ड्रग्स बेचता हूं तो तुझे खरीदार माना जाएगा, और मेरा ड्रग तो वैसे भी किसी भी तरह के टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो पाता, तो अब खुद ही समझ जा। हम हेरिटेज क्लब में बहुत मिले हैं तो सबको तुझ पर शक होगा। जिंदा आदमी की गवाही मरे हुए के बयान से ज्यादा खतरनाक होती है, और मैं गवाह हूं कि तुझे इस ड्रग की लत लग गई है। मैंने कभी कोई नशा नहीं किया। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है यार, तुझ पर कौन यकीन करेगा जब गवाही मैं दूंगा? तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं माफिया से हूं। तेरी बेटी, बीवी और उस रखेल की सारी जानकारी है मेरे पास, तो उनका मरा मुंह देखना चाहता है क्या? अच्छा चल ठीक है, तेरे डॉग को कुछ नहीं करूंगा मैं। हम जानवरों को नहीं मारते, जानता है क्यों? क्योंकि कुत्ते मालिक पर भौंकते नहीं, दुम हिलाते। तो मेरे आगे दुम हिलाएगा तो ही जिंदा रहेगा। एक दोस्त जो हमारे किसी भी काम का ना हो, बिना धार वाले चाकू जैसा होता है। तो जिस दोस्त से हमें कोई फायदा ना हो, उसका ना ही होना अच्छा है, ये मैंने बचपन में सुना था। अच्छा होगा कि तू मेरे साथ पूरी वफादारी से रहे, हकीकत से वाकिफ रहे, वरना महंगा पड़ेगा। वो सबूत के तौर पे तेरे सामने एक जैकेट रखेंगे, लेकिन वो जैकेट उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पाया है, तो
तो उसे खारिज कर देना। उनके पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है और जो गवाह थे वो मर चुके हैं। तेरे ऑफिस में मेहमान आया है और तू चाय कॉफी का भी नहीं पूछ रहा। चल कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगा। तेरे जूते की लेस खुल गई है। नशा करने वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है, जूते की लेस, पैंट के ज़िप, जैकेट का बटन, इन सब का ध्यान रख वरना लोग गलत समझेंगे। ठीक है, शायद तो समझ गया होगा। अब मैं चलूं? कायल, मुझे ये बताओ तुम्हारी पसंदीदा कोरियन डिश कौन सी है? बुलगोगी। अच्छा, तो चलो आज बुलगोगी खाते हैं। पावेल इकलौती ऐसी गैंग है जो अपने मेंबर्स को व्हाइट कॉलर एजुकेशन देती है। वो लॉ, पॉलिटिक्स और फाइनेंस में माहिर होते हैं। उनका मकसद और काम करने का तरीका बाकी माफिया से बिल्कुल अलग है और उन लोगों की नजर आपके हर कदम पर है। उन्हें अपने सारे पैंतरे आजमाने दो। जेंटलमैन, ऑपुलेंटिया से पहले कहां काम करते थे? ये बात आपको वक्त के साथ पता चलेगी। तुम मैडम किम से माफी मांगोगी एंटीडोट के पैसे चुराने के लिए। कहना तुमने ये गुस्से में किया, मगर ऐसा दोबारा नहीं होगा और तुम उसके सारे पैसे उसे वापस कर दोगी और इससे उसे तुम पर यकीन हो जाएगा। फिलहाल उसके लिए आसपास का माहौल किसी तूफान से कम नहीं होगा। उसके पास तुम पर शक करने का वक्त भी नहीं होगा। लेकिन वापस जाकर करना क्या है? हमारे लिए सारे कस्टमर्स की लिस्ट लेकर आओ। पूरे कोरिया में तुम जैसे जितने डीलर हैं, मुझे उन सब के कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए। मैं तुम्हें बस इसी एक शर्त पर जेल में नहीं डाल रहा। तू वहां देख। जी सर, देखो। देखिए मैम, यहाँ एक और है। कमीनी, देख क्या रहे हो? सब अच्छे से चेक कराओ। ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। पापा, मुझे ये मिला। यहाँ का हर कोना छान मार। कुर्सी, टेबल, दीवारें, खिड़कियां सब चेक कराओ। जी बोलिए। टेरी बोल रही है, कहां मर गई थी तू? किन चीज टू में आप राइस भी डाल सकते हैं। 7 मिनट में ये किमची तैयार हो जाएगी। जल्दी शुरू करते हैं। हमारे पास आज की शोकेसदार किमची है। चाकू से इसे अच्छे से काट लीजिए क्योंकि इसमें राइस डालेंगे। कहाँ तुम? ओशियो, मैं भी आती हूँ। लेटो यहाँ।
सोचा तुम सबको हेडक्वार्टर बुलाने से बेहतर है मैं खुद ही मिलने आ जाता हूँ, क्योंकि अभी कमिश्नर जनरल की तुम पर कड़ी नजर है, मुझ पर नहीं। वैसे भी उनके रिटायर होने में एक ही हफ्ता बचा है, हो सकता है अगला कमिश्नर जनरल मैं बनूं, तो बस एक हफ्ते के लिए रुक जाओ। सर क्या वो अरेस्ट वारंट मंजूर नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ठोस सबूत नहीं है। कमिश्नर जनरल आन, डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर और मौजूदा जज भी रियूसियो के साथ मिले हुए हैं, हमें संभल कर रहना होगा। हमारे पास एक सबूत है जिसमें वो ड्रग्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर वो थोगो का ही है, ऐसा हम साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट हमारा केस खारिज कर देगा। बस कुछ दिन इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें जो चाहिए वो मदद दिला दूंगा। अरे यार, ए इशिक, जाकर जाके सो जा। रात भर पूछताछ करके तेरी हालत खराब हो गई। हाँ, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे, ठीक है? तुम घर जाओ। जा, आराम कर। जिक जिक, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, पर तुम आए नहीं, तो मैंने मौके का फायदा उठाकर तुम्हारे लिए खाना बनाया, खा लेना। ये सब अजीब क्यों लग रहा है? क्यों, क्या हुआ, क्या अजीब लग रहा है? कंगना सुन ने मेरे लिए खाना बनाया है। हाँ, वो मेरे घर पर रह रही है ना। क्या? क्या, क्या क्या तुम साथ में रह रहे हो? क्या तुम सच में साथ में रह रहे हो? मुझे पहले से पता था, दरअसल ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह नहीं सकते। शक्ल तो देखो इसकी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के लड़के ना हम लोगों से ज्यादा एडवांस हैं, उन्हें शादी से पहले ही सब कुछ आजमाना होता है। क्या बात है, उसने अपनी ताकत से तुम्हें अपने वश में कर लिया क्या यार? नहीं, अरे टेंशन मत लो, तुम्हारी जोड़ी एकदम परफेक्ट है। मुझे तो नाम सुन पहले से ही पसंद है। हाँ, मुझे भी पसंद है। उसकी मां कितनी रईस है, तुम्हें तो जैकपॉट लगा है। और आज से मैं उसे भाभी बुलाऊंगा। अच्छा इशिक, ये बता, ये नाम सुन के कोई भाई बहन है क्या? है तो। सच में? एक भाई है। दरअसल भाई हो या बहन, मैं घर जमाई बनने के लिए तैयार हूँ। क्या यंग तक, क्या ऐसी भी क्या मजबूरी है? मतलब अपनी सैलरी से किराया नहीं दे पा रहे हो क्या? अरे मजाक कर रहा था मैं। चलो, मुझे तो लग रहा है कि तुम भाभी के हाथ का खाना खाते हो। चलो उठो। अरे चलो, चलो, चलो नहीं सर, क्या कर रहे हो? आज घर का ताजा ताजा खाना खाएंगे। अरे सर क्या कर रहे हो? रोना बंद करो, उस पर हमारा हक बनता है। सब्जियों को बिना काटे कौन डालता है? छोड़ो ना यार, शायद ये किमची स्टू की नई रेसिपी है। अजीब क्यों लग रहा है? अरे इसमें क्या टमेटो केचप डाला उसने? हाँ डाला होगा, क्योंकि केचप की बोतल खाली थी। यार इससे अजीब स्ट्यू मैंने आज तक नहीं खाया, कैसे बनाया ये? इसे नॉर्मल तरीके से बनाना चाहिए था ना, प्यार में इतनी क्रिएटिविटी दिखाना जरूरी है क्या? कितना नमक है इसमें। ये इतना बुरा भी नहीं है एक्चुअली, ये टॉमयम गुंग जैसा बना। टॉमयम गुंग? यार बाहर ऐसा बोला तो थाई वैसी वाले बदनामी का केस ठोक देंगे। इसे ना प्यार में सब कुछ टेस्टी लग रहा है। ऐसी बात नहीं है। लंच कर लिया तुमने? कर लिया। तुमने किया? मैंने भी कर लिया। अच्छा तेतसे, तुम जिस दोस्त के साथ रहती हो वो लड़का तो नहीं है ना? नहीं तो, वो तो लड़की है, क्यूट सी प्यारी सी लड़की है। तुम्हारी कोरियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करके आए? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तेतसे, ताकि तुम यहाँ खुशी से रह सको। अच्छी बात है, पर मैं मानती हूँ कि अपने बल पर सब कुछ करना चाहिए, ऐसा मंगोलिया वाले माँ बाबा बोलते थे। तो फिर तुम्हारे लिए खुद का घर देखने चले, इतना तो करने दो। शुक्रिया, पर मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा ये बता सकती हो? तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ,
जो ना बताया हो। सब कुछ तो बता चुका हूं तुम्हें। तुम्हें जितना पता है उतना मैंने अपने बारे में किसी को नहीं बताया। सच में? फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे काफी कुछ नहीं पता है। चलो ठीक है, तुम्हें जो पूछना है पूछो, मैं जवाब देने को तैयार हूं। रिसर्च इंस्टीट्यूट, थुगो एक कुरियर कंपनी है ना, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या जरूरत? वहां पर ऐसा होता क्या है? उसके बारे में क्यों जानना है तुम्हें? मुझे अपने काम के बारे में सब जानना है। थुगो की डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में फार्मास्यूटिकल्स क्यों नहीं है? तो फिर ठीक है, तुम्हें वहां ले चलता हूं। ये क्या? वो ऐसी जगह क्यों आई होगी? जान सकती हूँ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बताते हो या? यार ये जुकाम भी ना। बोलो क्या हुआ? बचाओ बॉस, मुझे पकड़ लिया है। सुनो मिस्टर ब्रेट, तुम्हें इसी वक्त गोल्ड ब्लू में आना होगा। ठीक है आता हूँ। सिर्फ चाय बनाने के लायक है ये। नामगिल जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। मैडम जी क्या हुआ? नामगिल देखो इसका क्या कर सकते हो। देखो चुप हो जाओ, ये करना है तो बाहर जाओ। आओ बाहर चलते, तुम्हारे गले में गहरी चोट है। नंबर का बेवकूफ है ये। अरे रे संभल कर। उठो उठो उठो। उबले हुए अंडे खाओगे? शुक्रिया पर उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा वो बॉस अब आ गए। अरे ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? हीलियम गैस निकल ली क्या? हीलियम गैस नहीं, ये हाल गुमजू मैडम ने किया। मेरा
मेरा गला दबा दिया। इसका मतलब तुम एक औरत से पिट गए। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। हंगुमजू मैम ने बुलाया है। कहाँ है वो? वहाँ। हद हो गई। समझ नहीं आ रहा इसका चल क्या रहा है। मेरा पीछा क्यों करवा रहे थे? पहले ये बताइए कि आपने हॉस्पिटल में अपनी डुप्लीकेट को क्यों रखा? रियुशियो के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? मिस हंगुमजू, तुम ही ने बताया ना कि हॉस्पिटल में मेरी जगह कोई डुप्लीकेट है और इसीलिए मैडम किम मुझे मारने आई। मैडम किम? ये कौन है जो हॉस्पिटल में सर्विस दे रही है? ये मजाक लग रहा है मिस हंगुमजू। हमें ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, मैं भी यही कहने वाली थी। ये कब से सोच रही थी? ये मतलब क्या? अब इतनी भी ना समझ मत बनिए मिस हंगुमजू। आप मुझे डेट करना चाहती है ना? क्या? मेरी हमदर्दी पाने के लिए आपने घायल होने का नाटक किया और पता नहीं कब से मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। यहाँ तक कि आपने मेरी पुरानी फोटो भी ढूंढ निकाली। देखो आप क्यूट हो। बोल भी दीजिए आपको मुझे डेट करना है। वैसे भी मुझे आप जैसी लड़कियाँ पसंद नहीं है। मुझे तो गोल मटोल लड़कियाँ पसंद है। लेकिन आपके लिए मैं अपने नियमों को थोड़ा सा तोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए क्रीम ब्रेड हो। देखो मिस्टर ब्रेड, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम असल में हो कौन और पता नहीं तुम क्या समझ रहे हो। मतलब मैं आपको पसंद नहीं हूँ? ये बताओ, रशिया में रियुशियो के साथ तुम्हारी फोटो क्यों है? इसका क्या मतलब है जरा खुल के बताओ। जब देखो तब रियुशियो रियुशियो रियुशियो, ये है कौन? इस नाम से चिढ़ हो गई है। उस फोटो में वो तुम्हारे साथ क्यों है? मुझे सच सच बताओ। अगर आप डेट पर चलेंगी तभी ये राज खुलेगा। तुम्हारा दिमाग ही खराब है। हम उन्हें सरप्राइज देते हैं मीडिया वालों को दिखाकर। ये एक्सपोर्ट होने वाले जैकेट में कैसे उन्होंने ड्रग्स छिपाए हैं, क्या कहते हो? देखो डायरेक्टर छोंगदे चोला अभी भी हेरिटेज क्लब के मेंबर हैं और रियुशियो ने मीडिया वालों के साथ सेटिंग करके रखी है। अबीट का जवाब पत्थर से देंगे। ठीक है, मैं कहीं जाके आता हूं। अब वक्त आ गया कि हम उनका सामना करें। हाँ, पर इतना बड़ा जैकेट कौन पहनता है? ये रशियन इतने बड़े होते हैं क्या? ये जैकेट इतना बड़ा है क्योंकि ये पहनने के लिए नहीं बना है, ये ड्रग्स छुपाने के लिए बना है। बात में दम है? तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अरे अब कहाँ जा रहा है? हमेशा अकेले चल पड़ता है। जाने दो ना। मैंने मिस्टर किम को बुला लिया है, तो तुम जल्दी स्टूडियो पहुंचो और सबसे कह दो कि हम इसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे। जी मैम, अभी बोलती हूँ। आपको कहाँ जाना है मैम? डॉसन हाईवे 34th रोड बिल्डिंग नंबर 8। ठीक है मैम, समझ गया। जी मैडम बोलिए। मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी है। मैम मैंने टैक्सी ले ली है। इस वक्त टैक्सी क्यों ली? कोई बात नहीं मैम, फिक्र मत कीजिए, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। बाय।
काम हो गया सर। अगर कहीं और जाना नहीं है तो मैं जा सकती हूँ। आज तो मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, पर कल फिर कहीं चलेंगे। ठीक है। सुबह मिलते हैं। बाय बाय। मुझे सिर्फ तेजसे का साथ चाहिए, फिर पावल के खिलाफ जीतने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अपनी ताकत को ऐसे जाया मत करो। की एक बेटी और एक बेटा भी है, कांगनाम सुन को ढूंढ निकालो। ठीक ठीक, मैंने कुरियर से तुम्हें कुछ भेजा है, मिले तो देख लेना काम का है या नहीं। क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम को अंजाम देने जाना है। जुमगांग जी अब मेरी है। तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हमें इनमें से किसी एक को चुनना होगा। पहले एक को खत्म करेंगे जो आसान शिकार होगा। पहले ये बताओ किसने भेजा है तुम्हें। आपको जो एक्शन लेना है ले सकते हैं, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखा रहा हूँ। तुम अपने साथ यहाँ किसे लेकर आए हो? ये मेरी खास है। Baby, I fall in love.
with you.